आज के दिन हम बात करेंगे रतन इंडिया पावर की। बात की जाए तो फिलहाल हमको 4% के ऊपर का फॉल देखने के लिए मिल रहा है। कल के डेट में भी इसमें लोअर सर्किट ही देखने के लिए मिला था। स्टॉक ने सेकंड टाइम इसी लेवल से रिजेक्शन लिया है 7 रुपये के लेवल से। स्टॉक ने जैसे यहाँ से बाउंस बैक किया था 5.50 रुपये के सपोर्ट से, तो इस बाउंस बैक के साथ ऊपर की ओर ये लेवल ब्रेकआउट होकर ऊपर जाना इम्पोर्टेंट था। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो और अपसाइड के लिए। लेकिन इसी लेवल से हमको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला है कल की डेट में भी और आज की डेट में भी। जो 6.50 रुपये का जो लेवल था एक सपोर्ट लेवल, उसको भी ब्रेक डाउन कर चुका है, तो एक खतरे की घंटी रहेगी, एक नेगेटिव सिग्नल है। अब यहाँ से 6 रुपये तक का भी फॉल हमको देखने के लिए मिल सकता है रतन इंडिया पावर में। अगर खरीदारी का प्लान कर रहे हो तो खरीदारी ब्रेकआउट पर ही करना बेहतर रहेगा, क्योंकि सेकंड टाइम स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है, यहाँ से और गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। जब तक 7 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता तब तक यहाँ एंट्री नहीं लेनी है। जैसे ही ये लेवल ब्रेकआउट होगा उसके बाद हमको 8 रुपये से लेके 10 रुपये तक के भी टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने के लिए मिल सकते हैं।